तलाक हो गया? जी हाँ, और तलाक के बाद शादी करनी है। शादी तो करनी है, क्या उसी से वापस करनी है? कई लोगों का ये भी सवाल था। चलिए आज इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि आपने चाहे म्यूचुअल डिवोर्स लिया या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स लिया, अब आपने पत्नी नहीं चेंज करनी, आपने बीवी नहीं चेंज करनी, आपको उसी से शादी करनी थी जिससे आपने तलाक लिया, यानी वापस से क्या आप उससे दोबारा शादी कर सकते हैं? अगर आपने कॉन्टेस्टेड डिवोर्स लिया है तो हो सकता है आपने एक साल, दो साल, तीन साल या उससे ज़्यादा समय बिता दिए हों, उसके बाद कोर्ट ने आपको जजमेंट और डिग्री ग्रांट किया। ऐसा ही अगर आपने म्यूचुअल पिटीशन अगर किया कोर्ट में, म्यूचुअली अगर आपने आपसी सहमति के थ्रू दोनों पति पत्नी ने तलाक लिया, तो क्या होगा? इसमें कम से कम एक साल का सेपरेशन का पीरियड और छह महीने कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है, मतलब डेढ़ साल तो आपने बिता ही दिए। अब जब आपको तलाक की डिग्री कोर्ट के द्वारा मिल गई और मिलने के बाद में आपने रियलाइज किया कि कुछ गलती हो गई है और वापस से पति और पत्नी, जो पुरानी पत्नी है या पुराना पति है, हम दोनों साथ में रहते हैं, अमूमन ऐसा मामला तब उठता है जब दोनों से बच्चे भी हों। जैसा एज मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि पति और पत्नी शुरुआत में तलाक ले लेते हैं, कुछ समय अलग रहते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं या कोई और कारण होते हैं, वो वापस से असेंबल होना चाहते हैं, वापस से मिलना चाहते हैं, वापस से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, इसके लिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आप दोबारा से कोर्ट मैरिज कर लीजिए। कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते तो आप दोबारा शादी कर लीजिए और अपनी शादी को रजिस्टर करवा लीजिए। ऐसा क्यों? बीवी तो आपकी चेंज नहीं हुई, हस्बैंड तो आपका चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका तलाक कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। आइदर इट इज म्यूचुअल डिवोर्स और कॉन्टेस्टेड। तलाक तो हो गया, अब तलाक हो गया तो आप लोग अब पति पत्नी नहीं है, साथ में अगर वापस से आपको रहना है तो दूसरी शादी कर लीजिए, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। कोर्ट मैरिज कर लीजिए, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। या कि आप जो म्यूचुअल डिवोर्स अगर हुआ था तो आप उसकी अपील भी कर सकते हैं, या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स हुआ था आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। और अगर दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, चाहे बच्चे को लेकर के हो या प्रॉपर्टी को लेकर के हो या किसी और कारण से, अगर उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि भाई हमने पुराने टाइम पे एक गलती कर ली, अब उस गलती को सुधारना है, तो निश्चित रूप से आप इस गलती को सुधार सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। दो तीन मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स जहां पर होता है, आपसी सहमति तलाक जहां पर होता है, वहां अपील का प्रावधान नहीं है। कॉन्टेस्टेड में तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल में प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो तीन जजमेंट मेंशन कर दूंगा जहां पर जो सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 CPC है वो बार क्रिएट करता है कि भाई म्यूचुअली अगर कुछ किया है, दोनों ने साथ में मिलकर के किया है और कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया है, तो अब उसकी जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन दो तीन अच्छे जजमेंट हैं जहां पर कोर्ट ने इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, पति और पत्नी या बच्चे के हक को ध्यान में रखते हुए, उनके फेवर में भी जजमेंट दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, आपको वो जजमेंट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपील करना चाहते हैं, पहला तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, तलाक होने के बावजूद अगर पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, रहिए, दूसरी शादी कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, अपील भी करेंगे, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और कोर्ट काफ़ी संभावना है कि आपकी एप्लीकेशन अलाउ भी कर ले या आपकी जो अपील है उसे अलाउ भी कर ले। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताइएगा। इसके साथ ही अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर अपनी लाइन में स्पष्ट मैं आपको कर दूं, पति पत्नी ने तलाक लिया, दोबारा साथ रहना चाहते हैं, दो ऑब्जेक्टिव। पहला, अपना बच्चे का हित देखना चाहते हैं या प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी गलती सुधारना है, तो वापस से साथ में रह सकते हैं, या कि कोर्ट मैरिज या मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, कोर्ट वो भी अलाउ कर लेगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन जनरल केस, म्यूचुअल डिवोर्स के केस में अपील अलाउ नहीं होती है। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लिंक मेंशन है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जहां से आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करने हेतु मुझे आवेदन कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।